फ्रेंड्स एक इमेज है ये, काफ़ी सारी डल इमेज है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस तरह की ये इमेज मैंने तैयार की है फोटोशॉप में, बहुत ही ईजी है। और एक इमेज ये है मेरे पास जो काफ़ी डार्क इमेज है, और इसे भी फोटोशॉप 7.0 में हमने नेचुरल तरीके से इसे तैयार किया है, बहुत ही आसान है। आप भी अपने फोटोशॉप में इस तरह की इमेज को क्लियर ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इस इमेज पर काम करके दिखाता हूँ आपको, अपनी कोई भी एक इसी तरह की डार्क इमेज ओपन कर लेना, और यहाँ से इसकी एक कॉपी करेंगे, माउस से पकड़ के नीचे लेके आएंगे। ये कॉपी हमने बैकअप के लिए रखी है ताकि 1% अगर हमारा फ़ोटो ख़राब हो जाए ज़्यादा लाइटिंग वगैरह, और नीचे हमारी दूसरी कॉपी है एक्स्ट्रा जिस पे हम फिर से काम कर सकते हैं। तो हमें ऊपर वाली को सिलेक्ट करके और यहाँ फिल्टर में आना है। यहाँ पे मेरे पास एक ये फ़िल्टर है इमेजनोमिक पोर्ट्रेचर, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारा ये फ़िल्टर ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आपके पास ये फ़िल्टर नहीं है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। हमें कंट्रोल प्लस से फ़ोटो को जूम कर लेना है और माउस से पकड़ के इस तरह से लेके आना है। ये हमारी इस तरफ लेफ्ट वाली हमारी ओरिजिनल इमेज है, और जो काम करेंगे हम यहाँ फिल्टर में वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है, नीचे यहाँ ब्राइटनेस का ऑप्शन है, आप अपनी इमेज के अनुसार ब्राइटनेस रखना इस तरह से, और इसका कंट्रास्ट यहाँ से माइनस करेंगे इस प्रकार से, और इसकी यहाँ से वार्म्थ को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा रेडनेस आएगी, तो हमें इमेज के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। और यहाँ से आप सॉफ्टनेस भी फ़ोटो के अनुसार रख सकते हैं, कितना आप फ़ोटो को सॉफ्टनेस रखना चाहते हैं इस तरह से, और शार्पनेस यहाँ से कम ज़्यादा करेंगे। तो ये हमारे यहाँ से इन्हेंसमेंट ऑप्शन है जो हम फोटो में कर सकते हैं। और ऊपर है यहाँ पे डिटेल स्मूथिंग, आप यहाँ से थ्रेशोल्ड कितना रखना चाहते हैं वो यहाँ से सेट करेंगे, और फोटो को लार्ज यहाँ से कितना रखना चाहते हैं, टोन को कितना फाइन रखना चाहते हैं वो यहाँ से इस तरह से सेट करेंगे आप स्मूथिंग। और ये हमारा अप्लाई डिटेल स्मूथिंग स्किन टोन ओनली, यहाँ इसको अप्लाई करके और यहाँ से आई ड्रॉप्स लेंगे, अगर आप वाइट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, ब्लैक पे करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन हमें इसको नन पे क्लिक रखना है और आई ड्रॉप्स लेके यहाँ स्किन के कलर को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसकी सैचुरेशन कम ज़्यादा इस तरह से हम कर सकते, ज़्यादा नहीं करना है इसको, हल्का फुल्का रखना है, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा इसमें निशान आ जाएंगे, आपको यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहे होंगे। और फिर हमें यहाँ पे ये सब सेटिंग करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। आप देखेंगे हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह से तैयार हुई है अभी, ये हमारी पहले वाली है और ये अभी की है। अभी हमें इसमें थोड़ा काम और करना है, कंट्रोल एल करेंगे और लेवल्स को हम इस तरफ लेके आएंगे, और थोड़ी ब्लैकनेस इस तरफ करेंगे, ज़्यादा नहीं करनी है, इस तरह से ब्लैकनेस डाल के और फिर यहाँ पे ओके कर देना है। आप यहाँ से कंट्रास्ट भी दे सकते हैं इस तरह से, और ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसमें जो आंखें हैं वो थोड़ी काली सी नज़र आ रही है, तो हमें करना क्या है, इसको यहाँ से टूल बॉक्स से इलेक्ट्रिकल मार्कर टूल लेंगे और इस तरह से फ़ोटो को और इस तरह से आइज़ का सिलेक्शन बना लेंगे, शिफ्ट दबा के दूसरी आइज़ का सिलेक्शन बनाएंगे, इसमें फैदर डालेंगे, यहाँ सेलेक्ट में जाके फैदर पे जाएंगे और यहाँ पे इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे फैदर रखेंगे, ओके कर देंगे। और फिर से हमें फ़िल्टर पे जाके इमेज पे जाना है और पोर्ट्रेट पे जाना है, और इसको कंट्रोल प्लस से बड़ा करेंगे, आप यहाँ देखेंगे सिर्फ आइज के हमारे इसमें इस तरह से आ रहा है। यहाँ से हम इसकी सेटिंग बंद करेंगे जो हमने पहले की थी, यहाँ से डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आइज दिखाई देगी। और अब हमें करना क्या है, यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह इस तरह से सिर्फ आँखों का कलर चेंज होगा इससे,
इस तरह से थोड़ी बहुत यहाँ से हम आँखों का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं और फिर हमें ओके कर देना है। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करेंगे और हमें ब्रश टूल लेके ओपेसिटी को कम रखेंगे 30 के आसपास और फ्लो को 40 के आसपास रखेंगे और नियर बाय कलर उठा के उल्ट दबा के ब्रश को छोटा बड़ा करेंगे ब्रैकेट से और हल्का इस तरह से कलर मिक्स करेंगे ताकि ज़्यादा ब्लैकनेस ना दिखे। हमें ज़्यादा भी कलर मिक्स नहीं करना है, हल्का ही करना बस। और कंट्रोल बैक से बैक करेंगे और यहाँ पे फिल्टर पे जाके नॉइस पे जाएंगे, जेपीजी क्लिनिक पे जाएंगे और यहाँ पे 10, 20, 30 जितना चाहे उतना यहाँ पे स्मूथनेस रखेंगे, ओके कर देंगे। अब आप इस इमेज को देख सकते हैं, नेचुरल इमेज है, इसमें ज़्यादा छेड़खानी भी नहीं की है। फ़ोटो हमारी जैसी डार्क इमेज थी ये वाली, सेम इसी तरह ये इमेज दिखाई दे रही है, इसमें ज़्यादा फिल्टर भी यूज़ नहीं हुए हैं। तो इस तरह से हम अपनी डार्क इमेज को परफेक्ट लाइट बना सकते हैं और उसे स्मूथनेस भी कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी पहले वाली इमेज और अभी मैं आपको दूसरी इमेज और दिखाता हूँ। और एक इमेज ये है, कुछ इस तरह की फ़ोटो होती है हमारे पास, जिसे इस तरह से इमेज होती है, कई बार हमारी इस तरह से आ जाती है इमेज। और हमें इसको परफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी भी एक कॉपी कर लेनी है। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगी और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो ये ऑटो कलर हो जाएंगे यहाँ से इस तरह से। और फोटो को जूम कर लेंगे, यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पे आएंगे, यहाँ से हमें हुई सैचुरेशन पे आना है और पीछे हमारे ये जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के हैं तो हमें यहाँ ऊपर मास्टर की जगह यहाँ से ग्रीन को सिलेक्ट करना है और आई ड्रॉप से ग्रीन पे क्लिक करेंगे और हुई को हमें अब इस तरफ करना है, सैचुरेशन को भी हमें बढ़ा देना है इस तरह से, अपनी इमेज के अनुसार रखना है इस तरह से और ओके कर देंगे। अब कंट्रोल प्लस से फ़ोटो को बड़ा करेंगे तो ये कलर यहाँ चेहरे पे भी आ चुका है। इसको हटाने के लिए ब्रश टूल लेंगे टूल बॉक्स से और ओपेसिटी को फुल कर देंगे, फ्लो को भी फुल कर देंगे और यहाँ पे फोरग्राउंड में आपको ब्लैक कलर रखना है और नीचे बैकग्राउंड में वाइट कलर रखना है और ब्रश को छोटा बड़ा करके कीबोर्ड के एरो कीबोर्ड के ब्रैकेट बटन से इस तरह से रिमूव करेंगे इस कलर को। इस तरह से हमें रिमूव कर देना है जितना भी स्किन एरिया पे ये कलर आया हुआ है, इस तरह से ये रिमूव हो जाएगा ये कलर और जो नीचे के नेचुरल कलर है वो कलर हमें इस तरह से दिखाई देने लग जाएंगे। पूरी इमेज पे आपको इसी तरह से ब्रश के सहारे इस तरह से रिमूव कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पे सभी ये जो कलर है ये रिमूव हो गए हैं ब्रश की सहायता से और हमारे जो नीचे के कलर थे नेचुरल फ़ोटो थे वो यहाँ पे दिखाई देने लग गए हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अभी की इमेज है और ये वाली पहले की इमेज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पहले इस तरह के कलर थे और अभी हमने जो काम किया है इस तरह की हमारी फ़ोटो में कलर करेक्शन हुई है। तो इस तरह से हम कलर करेक्शन कर सकते हैं फोटोशॉप 7.0 में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।